मेरे ढाबा के बगल में एक पान का दुकान खोल देता हूँ तुमको पान बेचना, क्या कर रहे हो भाई साहब? देख लेना, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है एकदम, कभी कभी गाड़ियाँ चलती है इसमें। अभी आदत हो गई है ऐसे चलाने का, प्रैक्टिस किया है ना। ऐसे जब बोलते रहते हैं ना, जो बहुत कठिन काम कर रहे हो, तब मन में बहुत खुशी होती है। देखिए आराम से बैठ के फरमा रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को सूरज बीएल ब्लॉग चैनल में। तो आज है 15 मार्च और सुबह के 7:30 हो रहा है, और आप सब देख रहे होंगे मैं पिछले दो दिन ब्लॉग नहीं अपलोड किया, तो ब्लॉग पूरा होता ही नहीं था। अभी सिर्फ मन है जल्दी घर पहुँचने का, ब्लॉग पूरा शूट नहीं कर पाता था इसलिए अपलोड नहीं करते थे। अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, ये है सागर, और तो रात को यहाँ पे सोए हुए थे। ये मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही विख्यात मंदिर है यहाँ का। ये हनुमान, श्री हनुमान परेड मंदिर है, और यहाँ पे जस्ट बगल में आर्मी कैंप है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे सो करके, बहुत ही विख्यात मंदिर है। देख रहे हैं ना, यही मंदिर है, इन्हीं मंदिर में रुके हुए थे, श्री हनुमान परेड मंदिर, और इधर आर्मी कैंप है बगल में। तो भाई साहब, अभी मैं NH 44 पे हूँ, और 3 किलोमीटर के बाद में मैं कट जाऊँगा, और वो पता नहीं कौन सा NH पे जाऊँगा, कितने नंबर के NH पे, लेकिन अभी 44 नंबर के NH पे हूँ। बहुत ही प्यारा NH है भाई साहब, माने चमक रहा है ना गजब का फूल सब है यहाँ पे लगा हुआ, मस्त चमक रहा है। ओहो, अभी मैं NH 44 को छोड़ करके, और ये नंबर कितने नंबर का NH है ये पता नहीं, ये है NH 44, इसको छोड़ करके अभी मैं दूसरे NH पे आया हूँ, और इनका नाम नंबर बताता हूँ मैं कितना नंबर का ये। भाई साहब मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह चलाने में ना बहुत ही मज़ा आता है। जो बात है, सुबह का मौसम में चलाओ और रात के मौसम में चलाओ, मज़ा आ जाता है। कहीं पर रुक करके चाय भी पीना है, चाय बिस्किट खाना है बस। इधर से जाना है, इधर जाना है, गाड़ियाँ नहीं आ रही है ना। नहीं, धन्यवाद, पुनः पधारे, ठीक है मैं आऊँगा। चाय भैया, चाय चाय चाय, मिल गया मिल गया, रुक जाते हैं, चाय पी लेते हैं यहाँ पे रुक के आराम से, उसके बाद में भगाएंगे। ठीक है, पानी पीने वाला है इसमें, ठीक है। अभी 8:45 हो रहा है, और यहाँ से छतरपुर है, लेकिन यहाँ से छतरपुर है 150 किलोमीटर। टारगेट रखता हूँ आज छतरपुर पहुँचने का, देखते हैं इसके लिए क्या होगा। भमकाना पड़ेगा और कम से कम ब्लॉग शूट करना पड़ेगा, चलते चलते ब्लॉग शूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहुँचते हैं आज छतरपुर, ठीक है, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं 150। अभी तक मैं 40 किलोमीटर चला दिया हूँ मैं, और अभी रुकना पड़ा था मुझे, लेकिन अपना सारथी यहाँ पे लगा है, और ये घर पड़ा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे मुझे रुकना पड़ा था क्योंकि बारिश होने लगी थी। भाई साहब क्या बताएं, अभी तो धूप निकल गई है, जस्ट 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे पूरा फाका है, देख रहे ना, कुछ भी नहीं है इधर। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे, जैसे यहाँ पे आए कि बारिश होना शुरू हो गई, सोचे भाई साहब बना हुआ है यहाँ पे घर, चल घुसते हैं इसमें, तो अपना सारथी यहाँ पे लगा दिए थे, तो यहाँ पे अपना सारथी लगा दिया और आराम से बैठ गए थोड़ी देर, तो बारिश खत्म हुई है अभी, जस्ट 5 मिनट पहले बारिश बंद हुई है, तो निकलते हैं यहाँ से। अभी तक 40 किलोमीटर चलाया हूँ, अभी 1:10 हो रहा है, और यहाँ से छतरपुर है 112 किलोमीटर। एक ढाबा है यहाँ पे रुका हूँ, और ये रहा नहाने वाला, तो यहाँ पे नहाया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब, इतना ठंडा पानी है ना, मज़ा आ गया नहा करके, जो बात है अब एकदम मस्ती में साइकिल चलाऊंगा। तो खाना भी खा लेता हूँ यहाँ पे, बहुत ही मस्त आदमी है जिनका ढाबा है, वो क्या बोल रहे थे पता है, मेरे ढाबा के बगल में एक पान का दुकान खोल देता हूँ तुमको पान बेचना, क्या कर रहे हो, कर रहे हो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पे रह जाओ, मैं तुमको मैंने पेमेंट दूंगा, यहाँ पे रह जाओ, काम करो, एक दुकान खोल देता हूँ तुमको पान का, वो बेचता हूँ। बोले ठीक है, मैं अपना साइकिल रख के आता हूँ, फिर दुकान मैंने फिर आपके दुकान में मैं काम करूँगा भाई साहब खाना खाए यहाँ पे, अरे अरे अरे, आराम से निकलते हैं अब। खाना बहुत ही अच्छा लगता, खाना बहुत ही अच्छा लगा, दाल खाए, दाल फ्राई और रोटी, चार रोटी खाएं, चार नहीं तीन ही खाएं, तीन और दाल फ्राई। इधर का नियम है जो आप दाल ले लीजिए, थाली सिस्टम नहीं चल रहा है अभी मध्य प्रदेश में, अभी चल रहा है दाल, यानी कि कोई एक सब्जी लीजिए उसका दाम है 50 रुपया,
कोई भी सब्जी लीजिए और रोटी का प्राइस अलग अलग, यानी कि रोटी का अलग 10 रुपये कहीं मिलता है, कहीं 6 रुपये ऐसा है। और ये रास्ता है सिंगल, इसमें चलाने में बहुत दिक्कत होती है। और अभी जा रहा हूँ घर पे, तो साइकिल रख कर के आएंगे यहाँ पे, पान का दुकान खुलने वाला है ना, तो वहीं पे जल्दी जल्दी पहुँचना है घर पे। उस साइड निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ, कोई नहीं है। चल 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 चल, 112 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और एक खुशी की बात बताऊँ, मेरा चश्मा फिर से खो गया है। ये दूसरा चश्मा खो गया है, तो आगे होगा तो कहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि धूप से बर्दाश्त नहीं होता रहता है, इतना तेज लगता रहता है। लेना पड़ेगा आगे चश्मा, लेकिन रोड का काम चल रहा है पूरा, तो आगे में कहीं पे दिखेगा ना तो ले लेंगे एक चश्मा। एक नंबर का आंध्र प्रदेश में खोया, दूसरा मध्य प्रदेश में खोया। कोई ना, यूज कर लिए थे। देख रहे हैं ट्रक का हालत खराब हो रही है, इतना ऐसा चढ़ाव चढ़ाव है, पूरा रेन फॉरेस्ट एरिया है भैया, यानी कि पूरा जंगल है भाई साहब, पूरा जंगल। और ट्रक की तो हालत खराब हो चुकी है चढ़ाई पे। पूरा जंगली एरिया है, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है यहाँ पे। शाम के 3:17 हो रहा है और अभी मैं साईगढ़ में हूँ, गन्ना का ये ठेला, तो यहाँ पे अभी गन्ना का जूस पियेंगे। बहुत देर से मन कर रहा था, क्योंकि खाना बहुत पहले खाए थे ना, तो अचानक पानी भर लेते हैं इसमें है पीने वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें ठंडा होगा। दिमाग आप जुगाड़ लगा के रखे हो तो इसमें तो ठंडा मिलेगा ना भाई साहब। पानी भर लेता हूँ पहले बोतल में, जूस पीते हैं। भाई साहब बारिश भी हो रही है हल्का हल्का, यानी कि बारिश स्टार्ट हो रही है और ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब, क्या बताएं। ऐसा रास्ता से जा रहा हूँ भाई साहब, देख रहे ना, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है एकदम, कभी कभी गाड़ियाँ चलती है इसमें। अभी अकेला हूँ अपन, ऊपर से बारिश हो रही है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अगर जोर से बारिश आई तो भीग जाएंगे। जोर से अगर बारिश आएगी तो पूरा भींग जाएंगे पक्का। ओहो, अभी आदत हो गई है ऐसे चलाने का, प्रैक्टिस किया है ना, मैंने प्रैक्टिस किया है तो आ गया है। ओहो, क्या उतरेगा क्या चेन? एक चीज बताओ, केरला से अभी तक मैं चेन एक बार भी नहीं उतरा है, पता नहीं उतरेगा अब कि नहीं उतरेगा, पता नहीं आगे, लेकिन अभी तक नहीं उतरा है। और ये इधर बंदर परेशान नहीं करता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो कम भी है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से 71 किलोमीटर बाकी है भाई साहब छतरपुर। ओ भाई साहब, लेकिन जंगली एरिया है, इधर कुछ घर हैं, कुछ के 2 से 3 घर है इधर। NH 34 पे हूँ अभी, हालत खराब हो जाती है। राइट, अभी फिर चढ़ाव आया है, कहाँ बताएं, बंदर है भाई साहब इधर, इधर ना बहुत ज्यादा बंदर है। ये देखिए लंगूर है, ये लंगूर देखिए आराम से बैठ के फरमा रहे हैं, देखिए किसी को कुछ करता नहीं है, बस बैठा रहता है आराम से। अभी 5:08 हो रहा है और यहाँ से छतरपुर है 60 किलोमीटर। भाई साहब पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे भी पहाड़ है और अभी पहाड़ से निकल के ही आ रहा हूँ भाई साहब, पेट दर्द करने लगा है चढ़ाते चढ़ाते पहाड़। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, बिना पहाड़ है क्या बताएं भाई साहब, हालत ख़राब हो जाती है। और एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे गन्ना का जूस नहीं पिए वहीं पे ये जो बैंक में मैंने ATM में जो पैसा डालने के लिए जाते रहती गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ वहीं पे आके रुकी। और उनमें से जो सब रहते हैं, दो अफसर थे,
फिर एक मैनेजर थे कि कौन है पता नहीं, जो हेड होते हैं वहाँ का उस गाड़ी का वो थे, और एक ड्राइवर। चार जन उतरे गाड़ी से जूस पीने के लिए, तो बहुत कुछ बोल रहे थे, भाई साहब कैसे सर्वाइव कर रहे हो भाई साहब, वो भी अकेला कैसे। उनमें एक अफसर जो थे, पुलिस अफसर जो थे, वो बहुत बूढ़े थे, तो उन्होंने पीठ सताया मेरा, नहीं शूट कर सकते ना, उनको पूछे जो मैं ब्लॉग मतलब वीडियो कर सकता हूँ, तो बोले नहीं नहीं मैं ड्यूटी में हूँ ना, तो वो सही नहीं है। तो जूस पीने के लिए उतरे हुए थे, तो पीठ थपथपा दिए, क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना हार्ड है मेरा तो ना, मतलब तुम जो बताए हो इतना स्टेट का मैं गाड़ी से भी कभी घूम नहीं पाऊँगा इतना स्टेट। बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे जब बोलते रहते हैं ना जो बहुत कठिन काम कर रहे हो, तब मन में बहुत खुशी होती है, तो सही में ठीक है निकलते यहाँ से, देखते हैं कब तक पूरा कर पाते हैं। छतरपुर आसपास में होगा तो कम से कम 30 तक तो चले ही जाएंगे। अभी रात के 9:23 हो रहा है और मैं रुक गया हूँ, एक मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक महंत जी रहते हैं, अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, करके आते हैं फिर ये भी यहीं पे रुकेंगे, अभी घर पे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक दुकान है बाहर में, वहाँ पे रुक करके चाय और बिस्किट खा रहा था, तो भाई बोले जो आगे नहीं जाइए यहाँ पे रुक जाइए, अच्छा मंदिर है यहाँ पे, रखने का जगह भी है, तो रुक गए। और आज 128 किलोमीटर साइकिल चलाए हैं भाई साहब, हमको लग रहा था कितना 115 चलाए होंगे, लेकिन देख रहा हूँ अरे भाई साहब 128 किलोमीटर चला दिए, और चले जाते हैं कि बीच में बारिश भी आ गई थी, प्लस में पहाड़ कितना चढ़ाव उतार आ रहा है ना, मूड ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से आगे नहीं जा पाए, तो चले जाते हैं। लेकिन 30 किलोमीटर मेरे लिए कुछ नहीं है, 100 किलोमीटर पार कर देता तो ये 30 किलोमीटर क्या है, यानी कि जहाँ से निकले थे 160 था, 130 किलो मैंने 128 किलोमीटर चलाए, 30 किलोमीटर बाकी होगा, तो कल निकलेंगे यहाँ से आराम से। एक चौकी है, चौकी पे सो रहा हूँ, और वहाँ नीचे में भी सोने का जगह है, तो हम बोले यहीं पे सोते हैं, ठीक है। आज का ब्लॉग में यही सब था, आज का ब्लॉग आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रोजाना ब्लॉग्स देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार जय मिथिला जय मैथिली, धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए।